नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। कांग्रेस अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद अभी भी पार्टी को नए चीफ का इंतजार है। आपको बता दें, पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, सुशील कुमार शिंदे सहित कई वरिष्ठ नेताओं के नामों पर चर्चा है। हालांकि इन दिग्गज नेताओं के रहते हुए भी पार्टी में अब तक कोई अध्यक्ष नहीं खोज पाई है। पार्टी का एक नया चीफ कौन होगा और इसके चयन को लेकर क्या व्यवस्था होगी, इसे लेकर आज कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक नए अध्यक्ष के चयन के फैसले को लेकर CWC की बैठक में व्यापक तौर पर विचार विमर्श किया जाएगा और चयन के लिए कोई नई व्यवस्था बनाई जाएगी। CWC की बैठक से एक दिन पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शुक्रवार को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात की। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त उनके इस्तीफे को अस्वीकार करते हुए CWC ने उन्हें पार्टी में बदलाव के लिए अधिकृत किया था। हालांकि राहुल गांधी अपने रुख पे अड़े हुए हैं और स्पष्ट कर दिया है कि वो और साथ ही गांधी परिवार का कोई अन्य सदस्य इस पद की जिम्मेदारी नहीं संभालेगा। अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए राहुल गांधी ने बताया था कि भले वो अध्यक्ष पद पे ना बने हुए हों, लेकिन पार्टी के कामों में उनकी सक्रियता कभी भी कम नहीं होगी। आप लगातार बने रहे ऐसी खबरों के लिए सिटी पोस्ट के साथ। जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सोल्यूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।